नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को कोर्ट में पेशी से छूट देने से इनकार किया है। दोनों नेताओं को कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। दिल्ली टेस्ट के दोनों पारियों में शतक मारने वाले अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी सीरीज में 31 विकेट लेने वाले आर अश्विन मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। चेन्नई में बाढ़ के हालात में सुधार होने से जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। घरेलू हवाई सेवाएं बहाल हो गई हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी जल्द शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर रेल सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की और तमिलनाडु में उत्पन्न स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में हुई द्विपक्षीय बैठक पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10 तारीख को बयान देंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान और बहुपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल पाकिस्तान जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस मुद्दे पर संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को तेजाब हमले से पीड़ितों को डिसेबिलिटी एक्ट के तहत लाने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज अज्ञात आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के एक काफिले पर किए गए हमले में कम से कम 7 जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने बीच बेहरा के समथान में एक ग्रीन टनल के नजदीक श्रीनगर से जम्मू जा रहे काफिले में शामिल सीआरपीएफ की एक बस पर हमला किया। घायलों को अनंतनाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मुंबई के गांधीवली इलाके में एक गोदाम में आग लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल महिलाओं को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची 16 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कर अधिकारियों को 50,000 से कम के रिफंडों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,496 करोड़ रुपए का रिफंड लंबित है। राजस्व सचिव की सीबीडीटी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नए रिफंड संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार के ऑड एंड इवन नंबर के फैसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में इस पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हर दूसरे दिन सुनवाई होगी। आज सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र सशक्त सेना झंडा दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, युद्ध के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हुए सैनिक कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की। ताजिकिस्तान में 7.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली और NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 28.7 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसका असर पड़ा। पेरिस में चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ता अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। भारत ने अमीर देशों से कहा है कि सुरक्षित धरती के लिए कार्बन उत्सर्जन की ऋण अदायगी करें। सम्मेलन में भाग ले रहे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान हो। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई सैनिक मारे गए थे। सीरिया विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है और ये घटना दोबारा ना हो इसके लिए उचित कदम उठाने को कहा है। सीरिया में ISIS के खिलाफ अभियान चला रहे संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीरियाई सैन्य शिविर पर हवाई हमले से इनकार किया है। अमेरिका ने कहा है कि उसके विमानों ने सेना पर कोई हमला नहीं किया है।